सो हेलो गाइस एंड व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। तो भाई आज हम आए हैं आपके सामने हेलो द मास्टर चीफ कलेक्शन को लेकर। हाँ भाई आपने सही समझे, इसका भी आज रिव्यू होने वाला है। बट मेरे को नहीं मालूम मैं कहाँ से इस गेम का रिव्यू चालू करूँ, बट फिर भी अपना पूरा कोशिश करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ये आपके सामने अपना ओपनिंग पेज है भाई, और ये गेम एक एक्सबॉक्स ओरिजिनल गेम है। ये सिर्फ एक्सबॉक्स और पीसी में आया हुआ है, प्लेस्टेशन में तो है नहीं ये गेम। तो भाई ये गेम अ काइंड ऑफ पीसी एंड एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव आप कह सकते हो। और इसके अलावा अगर आप बताएं तो इस गेम पे जो भी आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होता है वो काफ़ी कम है, उतना हाई नहीं है। आप चाहते हो तो मैं इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसका एक लिंक नीचे शेयर कर दूंगा भाई, वहां से जाके आप आराम से चेकआउट कर सकते हो इस लिंक को। अब आ जाते हैं गेम का मेन फीचर्स पे। वहां पे हम देख सकते हैं हमारे पास है कैंपेन्स, मल्टीप्लेयर, क्रिएट, फ्री फाइट, ऑप्शंस एंड करियर एंड क्विट टू डेस्कटॉप। कैंपेन्स में आपको बोले तो कैंपेन्स में आपको दिखा देते हैं। कैंपेन्स में हमको हेलो रीच देखने को मिल जाता है, हेलो सी एनिवर्सरी देखने को मिल जाता है, हेलो टू एनिवर्सरी देखने को मिल जाता है, और हेलो थ्री देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हेलो थ्री ODST, हेलो फोर और क्रॉस गेम प्लेलिस्ट जो है वो आना बाकी है, इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। इन शॉर्ट इस ये एक कंपिलेशन है हेलो रीच, हेलो टू और हेलो थ्री का। अभी तक हेलो फोर जब आएगा तब देखा जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपना मल्टीप्लेयर के अंदर। मल्टीप्लेयर में आपको सोशल गेम्स, कम्पिटिटिव गेम्स एंड कस्टम मल्टीप्लेयर देखने को मिल जाता है। कस्टम गेम्स के अंदर आपको अगर लेके जाए तो यहाँ पे हर एक टीम का अलग अलग देखने को मिलता है। सोशल गेम्स की बात किया जाए तो ये अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो क्लासिक मैचेस है, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें खेल सकते हो और मल्टीप्लेयर खेल सकते हो अगर आपके पास एक्सबॉक्स लाइव का मेम्बरशिप है तो। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्ज एंड ट्रेथर का क्रिएटिंग स्टूडियो है। यहाँ पे आप फ्री फाइट ले सकते हो, कस्टम फ्री फाइट एंड मैच मेकिंग का नॉर्मल सा। एंड ऑप्शंस एंड करियर के अंदर आपको अलग अलग चेंजेस, कस्टमाइजेशन, प्लेयर आईडी एंड ऑल देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स, माई फाइल सब देखने को मिल जाता है, और सीजन का भी आपको देखने को वहीं पे मिलता है। अब कैंपेन्स में लेके चलते हैं आपको, और हेलो थ्री का कुछ नमूने आपको दिखा देते हैं। A few moments later. यहाँ पर हम आ चुके हैं हम अपना मेन स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको पता लग रहा है कि भाई क्या चल रहा है तो आपको ये भी पता लग रहा होगा कि भाई ग्राफिक्स की तो लगी पड़ी है भाई, ग्राफिक्स की तो लगी पड़ी है भाई साहब। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी मार रहा है। किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कैसे मार रहे हो, क्या मार रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से तुम साइड से जाओ, आगे से जाओ, पीछे से जाओ, ग्राफिक्स में कोई एक्सटर्नल डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी एक्सटर्नली और एनहेंसिव देखने को नहीं मिलता है इस गेम में। बट हाँ आप स्टोरी लाइन अगर फॉलो करते हो तो आपको स्टोरी लाइन समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इस गेम के अंदर। तो वो स्टोरी लाइन को दिमाग में रखते हुए ही इस गेम को इनिशियली लाया गया था कि स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। बट उस टाइम पे शायद से किसी को नहीं मालूम था कि इस गेम का जो भी इंटरनल ग्राफिक्स वगैरह होगा वो कुछ ही दिन के अंदर ख़त्म हो जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइंस दिख रहा होगा जो कि आपका हेलमेट लाइंस है। एंड ग्राफिक्स का बात किया जाए भाई, ग्राफिक्स तो इससे भी काफ़ी तगड़े ग्राफिक्स का चीज़ें हो सकता था। आई बिलीव इससे भी काफ़ी तगड़ा ग्राफिक्स का चीज़ें हो सकता था जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। एनहेंसमेंट्स आ सकता था इसका ग्राफिक्स के अंदर भी एनहेंसमेंट्स आ सकता था जो कि नहीं लाया गया था। बट ऐसे में अगर आप देखें तो भाई ग्राफिक्स का तो कोई अता पता तक नहीं है। और यहाँ पे एनिमीज आप देख सकते हो, एनिमीज को अगर मैं डिटेल में जाके दिखाऊँ, ये देखो कैसे पागलपंती चल रहा है भाई। हाँ एक चीज़ है कि इसमें इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन कर दी गई है कि आपको कभी भी गेम में लैग महसूस नहीं होने वाला है, या ग्राफिक रिलेटेड लैग्स वगैरह महसूस नहीं होने वाला है। बट थोड़ा रियलिस्टिक बना लो यार, इतना बड़ा ब्रांड हो यार, कुछ तो रियलिस्टिक बना लेते थोड़ा बहुत।
तो अच्छा होगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे तुम एक गोली मारो, सामने वाला खत्म। तो यही बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ करना चाहता भी हूँ कि मेरे को एज सच इस गेम का कोई लॉजिक मिला नहीं था, तो बट स्टिल ये गेम हम लोगों को रिव्यू करना था एक बारी। हेलो 1 2 3 4 ये कॉम्पिलेशन है जहाँ पे आप अलग अलग गेम्स खेल सकते हो, अलग अलग गेम्स आपको एक साथ एक कंबाइंड फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है और उसको आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। सो आते हैं अब हम अपना फाइनल और मेन पॉइंट पे, जो कि है फाइनल एंड फुल रिव्यू का इसका। तो उससे पहले हम चलेंगे अपना मेन स्क्रीन की तरफ और वहीं पे आपको मैं सारे चीजें को बता दूंगा। A few moments later. तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारा मेन स्क्रीन की तरफ और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसका ओवरऑल रेटिंग के बारे में। तो कैंपेन के बारे में अगर बोला जाए इस गेम का, तो मैं इसको दूंगा 9 out of 10। अगर इसका ग्राफिक्स एंड ओवरऑल गेम प्ले की बात किया जाए तो भाई साहब इसको मैं 6.1 दूंगा आउट ऑफ 10। लैग एंड शटर की बात किया जाए तो 10 out of 10 है इस पे, क्योंकि कोई लैग और शटर आपको देखने को मिलता नहीं है पूरा गेम में। काफ़ी लो ग्राफिक्स में चल जाता है ये, काफ़ी लो NPCs में चल जाता है ये गेम, तो आप जाके ट्राई आउट कर सकते हो। बट मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक गेम हो सकता है भाई, किसी को नहीं मालूम इस बारे में। ये एक ऐसा चाल हो सकता है कि आप यही गेम खेले बार बार, ले और खेले, जिसके वजह से इन लोगों ने इतना लो ग्राफिक्स दे दिया है, बट इन फ्यूचर ये ग्राफिक्स को हायर कर दिया जाए। बट मेरे को कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि हेलो इनफाइनाइट नाम का जो गेम आ रहा है उसमें भी मतलब PS3 जैसा ग्राफिक्स लगा दिया भाई, कुछ तो इज्जत रख लो भाई। भाई ये ग्राफिक्स देखने के बाद मेरे को एक ही बात बोलना था, ग्राफिक्स और ये गेम प्ले देखने के बाद मेरे को एक ही बात बोलना था भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। आगे का पता नहीं इस गेम का फ्यूचर क्या होने वाला है, बट भाई अगर सुन रहे हो जो डेवलपर्स है तो सुन लो भाई कि ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट लाओ, तभी जाके गेम आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये गेम मैं हाई सेटिंग्स पे खेल रहा था। अब वर्थ विथ प्राइस का बात किया जाए तो मैं बोलूँगा इसको 9.1 दिया जा सकता है। लाइटिंग का बात किया जाए तो भाई 6 out of 10। ओवरऑल रेटिंग का बात किया जाए तो भाई इस पे आप दे सकते हो अराउंड 8 या 7.9, उससे ज़्यादा भाई जा नहीं सकते, क्योंकि भाई इतना अजीब है भाई, स्टोरी मोड उतना खास नहीं लग रहा है मेरे को, फिर ग्राफिक्स ढंग का नहीं लग रहा है, तो होता है भाई। तो खैर ये गेम तो देखते हैं आगे क्या होता है, डेवलपर्स का क्या मानना है इस गेम के बारे में, कैसे कैसे इवॉल्व होता है टाइम के साथ ये गेम। तो यही तक थी इस गेम का रिव्यू। तो अगर अच्छा लगा है रिव्यू तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कि उन लोग भी पता चले कि आने वाले टाइम में हेलो का क्या फ्यूचर है। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे कि फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो हैंडल्स नीचे दी गई है, ज़रूर से जाके चेकआउट करें और फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली वीडियोज एंड लाइव स्ट्रीम्स आता रहता है। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही एक अगला वीडियो में, टिल देन गुड बाई।